ये बेरिया वाले जुल्म कर रहे हैं, देखो ये पुलिस की बारी नफरी और ये फायरिंग कर रहे हैं, देखो सर। अभी सदम नहीं छोड़ेगा, अभी मार जाएगा, अभी मर जाएगा, अभी मैं लेट कर दूंगा, लेट 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 आगे लेट लेट जाओ। सफर कर रहा हम बोल रहे हैं, सफर करें, क्यों नहीं सफर करें, लेट लेट नहीं सफर करो ना भाई, हमारे भाई से बात कर, काम रुकेगा गड़बड़ होगी। जैसे इधर रुके ना तो गड़बड़ हुई है ना, ऐसे इधर भी गड़बड़ होगी। मैं बहस नहीं करता इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ, जिसने बात करनी है वो कर ले, बात करनी है वो कर ये कोई मकबूजा फलस्तीन या कश्मीर का इलाका नहीं, पर सिंध के दारुल हुकूमत गडाब का सदियों पुराना काठोर का इलाका है, जहां सिंध की कौमी वहदत के दुश्मन मंसूबे बेरिया टाउन के कारिंदे इसराइली फौजियों का किरदार अदा करते, मुकामी अफराद को बेदखल करने के लिए तमाम मशीनरी इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। ये देखो ये हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, ये देखो हमारे ऊपर बहुत बहुत जुल्म हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम अपना ज़मीन नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए मर जाएंगे, लेकिन ज़मीन अपना जो है ना माँ है, लेकिन ये हम बेच नहीं सकते क्योंकि ये इतना जुल्म कर रहे हैं, लेकिन जुल्म करने इंशाल्लाह ताला हम नहीं देंगे। बेरिया टाउन के बदमस्त हाथी के कारिंदे आए रोज सूरज उभरते ही अपनी हेवी मशीनरी के साथ इन मिस्कीनों और मासूमों के पैरों से इन्हीं की धरती खिसकाने पहुंच जाते हैं, और ये कमजोर अफराद थी तंद विड़े तलवार के मानन औरतों और बच्चों के साथ अपने तई मजाहमत करते हैं, पर कोई भी सियासी जमात या मलीर व गडाब से मुंतखब नुमाइंदे इनकी मदद को नहीं पहुँचते, सिवाय सिंध इंडिजीनियस राइट्स अलायंस के, पर इस तंजीम के पास भी आवाज उठाने और चीखो पुकार करने के अलावा और कोई ताकत मुयसर नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस के मिसदाक बेरिया टाउन के बदमस्त हाथी ने न सिर्फ रियासत के तमाम इदारों की आवाज को अपने साथ मिला लिया है, पर मीडिया जिसे सारी दुनिया में मजलूम व मिस्कीन की आवाज़ तस्वर किया जाता है, उस मीडिया को भी पैसे की ताकत से जर खरीद गुलाम या फिर यूं कहना बजा होगा कि लोंडी बनाकर रख दिया है, जिसकी वाज़ेह मिसाल ये फुटेजेस हैं जो मुल्क के तमाम बड़े न्यूज़ चैनल्स पर कहीं भी देखने को नहीं मिले, और न ही ये जुल्म और बर्बरियत अखबारात की शेर सुर्खियों में जगह ले सकी है। बेरिया वाले जुल्म कर रहे हैं, देखो ये पुलिस की बारी नफरी और ये फायरिंग कर रहे हैं, देखो सर। अभी सदम नहीं छोड़ेगा, अभी मार जाएगा, अभी मर जाएगा, अभी मैं लेट कर दूंगा, लेट 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 आगे लेट लेट सफर कर रहा हम बोल रहे हैं, सफर करें, क्यों नहीं सफर करें, लेट लेट नहीं सफर करो ना भाई, हमारे भाई से बात करें, काम रुकेगा गड़बड़ होगी, जैसे इधर रुके ना तो गड़बड़ हुई है ना, ऐसे इधर भी गड़बड़ होगी। मैं बहस नहीं करता इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ, जिसने बात करनी है वो कर ले, बात करनी है वो कर ले। हाँ
बेरा टाउन की लामहदूद हदूद में आने की सजा इन सदियों पुराने गांव गोठों के वासी अपनी कीमती जमीनें घर बार और दीगर एराजियों को मलयामेट होते मिसमार होते देख रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फलस्तीन के मजलूम अवाम जो रात को सोते तो फलस्तीन की हदूद में हैं पर सुबह आँख खुलने से पहले इन्हें इसराइली इंतजामिया की जानिब से ये बताया जाता है कि वो अब सेहूनी रियासत का हिस्सा बन चुके हैं। ये पहाड़ जिसे मकामी अफराद पांवार और जबल कहते हैं सिंध के लिए तारीखी हैसियत रखता है पर अब बेरा टाउन वालों ने इसे मलिया मेट करके किस्सा पारीना बना दिया है। अफसोस तो यह है कि सिंध की तारीख के एक सफ़े को चंद लम्हों में मलिया मेट कर दिया गया पर कराची से लेकर कश्मीर तक कहीं से कोई मुनज़्ज़म आवाज़ नहीं उठी। ऐसा लगता है कि माजी में दुश्मना ने सिंध के दांत खट्टे कर देने वाला कौमी जोश व जज्बा अब मांद पड़ चुका है और बस मुकामी अफराद अपनी मदद आपके तहत धरती की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उनकी आवाज़ भी सुनी अनसुनी सी की जा रही है। बेरा टाउन जैसे लामहदूद मंसूबे को रोकने के लिए कोई भी मुअस्सर आवाज़ नहीं उठी और बिलखुसूस मलीर के मुंतखब नुमाइंदे अपने आका की जी हुजूरी के बायस इस अहम तरीन इशू पर जुबान खोलने को तैयार नहीं। पर ये मजलूम ये मासूम और ये महकूम मलीर के लोग हर मुमकिन हद तक बदमस्त हाथी बेरा टाउन का रास्ता रोकने के लिए कोशां हैं और अपने अजदाद के इलाके मलीर को किसी भी रीत टूटने से बचाना चाहते हैं क्योंकि अगर दुश्मनान सिंध मलीर को तोड़ने में कामयाब हो गए तो फिर आगे चलकर ज्योग्राफिकली इसके भयानक नतायज सामने आ सकते हैं। जेक टीवी के प्लेटफॉर्म से हम बेरा टाउन की इसराइल तर्ज की मकबूजा पॉलिसी को अयां करते रहेंगे और इस जुल्म बर्बरियत व नाइंसाफी का रास्ता रोकने वाली सैनिक काफिले की आवाज़ उठाते रहेंगे। पुलिस की बारी नफरी और ये फायरिंग कर रहे हैं। देखो सर वो उधर से ट्रेंच खोदनी शुरू कर रहे हैं। अभी सर हम नहीं छोड़ेंगे, अभी मार जाएंगे, अभी मार जाएंगे, अभी मैं लेट क्या दूँ, लेट 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 आगे लेट लेट जाओ, सफर कर ना, हम बोल रहे हैं सफर करें, क्यों नहीं सफर करें, लेट लेट नहीं सफर करो ना भाई, हमारे फलों से बात कर, काम रुकेगा गड़बड़ होगी, जैसे इधर रुक गया ना तो गड़बड़ हुई है ना, ऐसे इधर भी गड़बड़ होगी। मैं बहस नहीं करता इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ, जिसने बात करनी है वो कर ले, बात करनी है वो कर ले। ऐसा नहीं बोले सर, जान ना यार।